यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो भाई? हाँ, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कोरोना टाइम में घर बैठ के बोर हो रहे हो, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होगा। कई बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, सर पढ़ाई में मन नहीं लगता, कैसे प्रैक्टिस करें, क्या पढ़ें, पढ़ाई हो ही नहीं पा रही है। क्लास में आते थे पढ़ते थे, आप ठोकते थे तो मन से पढ़ाई हो सकती थी और पढ़ाई नहीं हो पा रही। तो बच्चों, ये जो टाइम है पढ़ने का टाइम है, इस टाइम पे अपने आप को पॉलिश करने का टाइम है। इस टाइम में जिस बच्चे ने पढ़ाई कर ली, मेहनत कर ली, वो बच्चा ज़रूर रिजल्ट लेके जाएगा। बिकॉज NDA के या फिर जैसे भी नेवी का एग्ज़ाम है, आर्मी क्लर्क का एग्ज़ाम है, एयरफोर्स का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, तो इनके जो भी बच्चे हैं उससे डेली कहीं ना कहीं डाउट्स पूछते हैं, उससे सीट्स मंगवाते हैं, नोट्स मंगवाते हैं, सर इस टॉपिक की सीट भेजो, क्वेश्चन लगाने हैं हमें। तो पहले उनको मैं क्वेश्चन भेजता हूँ, बाद में उनको मैं आंसर की भेजता हूँ। जब वो सॉल्व कर लेते हैं, मुझसे आंसर की मांगते हैं तब। तो कई बच्चे हैं टच में ऐसे जो आज भी मेहनत कर रहे हैं। कई बच्चों कैसे ही करते हैं, सर राम राम, कैसे हो, बढ़िया हो, ऐसे वैसे हालचाल कुछ नहीं है। लेकिन कई बच्चे डाउट्स पूछते हैं, उनको मैं डाउट्स बताता हूँ, है ना, व्हाट्सएप पे, या बच्चे जो टेलीग्राम पे जुड़े हैं उनको। तो अपनी मेहनत कंटिन्यू करते रहो। इस टाइम पे जो बच्चा फ़ायदा उठा लेगा, पढ़ लेगा बेटा, उसका सिलेक्शन निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि अभी नेवी और एयरफोर्स का और आर्मी का तीनों का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें इंग्लिश आती है, और बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं मुझसे, कंटिन्यू सीट्स मांग रहे हैं, नोट्स मांग रहे हैं, मैं उनको भेज भी रहा हूँ। तो आपको जो भी जरूरत हो, जिस टाइप के नोट्स चाहिए, मांगते रहो, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। मेरा कहने का मेन मुद्दा बेटा ये है कि इस टाइम जो बच्चा मेहनत कर रहा है वो मेहनत बहुत कमाने वाली है। मुझे पता है चीज़, क्योंकि क्लासेस जब चल रही होंगी, बच्चे तब पढ़ेंगे, ये मुझे पता है, तब तो हर कोई पढ़ेगा। लेकिन जैसे लॉकडाउन खुलेगा और तुरंत एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो जैसे एग्ज़ाम होंगे बेटा, उस टाइम पर पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि लॉकडाउन खुला और एग्ज़ाम हुआ। तो आपके पास जो टाइम है वो बहुत ही अच्छा है इस टाइम पढ़ने वाला। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पढ़ भी रहे हैं, उससे नोट्स मांग भी रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, और उनको मैं सीट्स दे भी रहा हूँ। खैर, तो अपनी मेहनत करते रहो। सॉरी, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे सिंटैक्स टॉपिक चल रहा है, यानी कि सब्जेक्ट और डॉक्यूमेंट, चैप्टर नंबर 1, लेक्चर नंबर 5 में वो करना है आज। जो बच्चे इस लेक्चर में आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो वो बच्चे पिछले 4 लेक्चर्स देखते रहें ताकि आगे दिक्कत ना आए। और अपना जो लेक्चर है ये वाला बच्चों, लेक्चर नंबर 5, इसको आज अपने कंटिन्यू करते हैं। तो लेक्चर नंबर जो अपना 5 है, इसमें सिंटेक्स के अंदर कंसेप्ट नंबर 3 एप्लीकेबल है, यानी कि मैं इसको कंसेप्ट नंबर 3 या लेक्चर नंबर 5 नाम दे रहा हूँ। इससे पहले 2 कंसेप्ट हो गए हैं, यानी कि लेक्चर 4 हो चुके हैं। तो जो बच्चे न्यू हैं, पिछले 4 लेक्चर को देखें, समझें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खैर, मेरे पास वो टाइम नहीं होता इतना कि मैं ज़्यादा वीडियो को शेयर कर पाऊँ। अब आपको अगर सर फ्री हो गए, सर अपने टॉपिक काम है, तो बिजनेस भी होते हैं, काम भी होते हैं, खाली नहीं बैठ सकते। क्योंकि अगर खाली बैठ गए तो खाली दिमाग से काम का है ना। तो अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखो, अपने पढ़ाई करते रहो, अपनी टाइम वेस्ट ना करो, और इस टाइम का पूरा फायदा उठाओ। तो चलते हैं अपना कंसेप्ट नंबर 3 और लेक्चर नंबर 5 की तरफ। आज अपना लेक्चर नंबर 5 है, इसको कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं इसको। देखिए, कंसेप्ट नंबर 2 यानी कि लेक्चर नंबर 4 के अंदर उन्होंने बात की थी 19 वर्ड्स के बारे में, 19 वर्ड के बारे में। वहाँ पे 19 वर्ड का काम था, 2 सब्जेक्ट को छोड़ने का। वहाँ पर उन्होंने ये पढ़ा था कि 2 सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट नंबर 1 और सब्जेक्ट नंबर 2, इनको छोड़ने के लिए अपनों ने लेक्चर नंबर 4 में 19 वर्ड का यूज़ किया। 19 वर्ड एक साथ आया था, मुश्किल तो नहीं है, 19 वर्ड एक साथ याद करना मुश्किल थे, तो मैंने उसको 19 को 75511 में डिवाइड कर दिया। क्योंकि 7 में 7 सिनोनिम थे, अगले 5 वर्ड भी सेम मीनिंग दे रहे हैं, और उससे अगले 5 वर्ड भी सेम वर्ड दे रहे हैं, और एक एक वर्ड अलग था तो अलग लिख लिए। तो 19 वर्ड को याद करने का तरीका भी बता दिया, और 7 को सिनोनिम भी आ गए। लेक्चर नंबर 4 में अपने पढ़ चुके हैं। तो वहाँ पर लेक्चर नंबर 4 के अंदर 19 वर्ड का काम था 2 सब्जेक्ट को जोड़ने का। तो वहाँ पर उन्होंने देखा था कि सेंटेंस में ऐसा बनेगी वर्ड की और प्रोनाउन की, तो वर्ब और प्रोनाउन जो आए थे वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आए थे। तो सेंटेंस में वहाँ पे जो वर्ब और प्रोनाउन की आगे बनी थी वो सब्जेक्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग बनी थी,
कि फर्स्ट जेट सिंगुलर तो वर्ब प्रोनाउन सिंगुलर, फर्स्ट जेट प्लूरल तो वर्ब प्रोनाउन प्लूरल आना चाहिए। ये अपने लास्ट लेक्चर में छाटा पड़ा। आज अपने को इसकी जस्ट पोजिट बात करनी है। आज हम बात करेंगे छह वर्ड के बारे में। आज अपनी बात करेंगे छह वर्ड के बारे में। लास्ट क्लास में बात की थी 19 वर्ड के बारे में, आज अपने को बात करनी है छह वर्ड के बारे में। यहाँ पे जो छह वर्ड जो होंगे वो छह वर्ड सेकंड जेट की वर्ड होंगे। यानी कि छह वर्ड का काम क्या है, दो सब्जेक्ट को जोड़ने का। सेकंड सब्जेक्ट का काम, देखिए छह वर्ड का काम है दो सब्जेक्ट को जोड़ने का। तो जो सेंटेंस में वर्ब और प्रोनाउन की एरर बनेगी वो अपनी सेकंड सब्जेक्ट कोडिंग बनेगी। 19 वर्ड में लास्ट लेक्चर के अंदर तो ये था कि फर्स्ट जेट कोडिंग वर्ब प्रोनाउन चेंज करनी है। अभी जो अपना लेक्चर है आज का 6 वर्ड का, तो 6 वर्ड का काम है दो सब्जेक्ट को जोड़ने का। सेंटेंस में वर्ब और प्रोनाउन की एरर बनने वाली है वो अपनी सेकंड की कोडिंग बनने वाली है। सेकंड में सिंगुलर वर्ब प्रोनाउन सिंगुलर, सेकंड में प्लूरल तो वर्ब प्रोनाउन प्लूरल। बच्चे 6 वर्ड कौन से वो देखते हैं, ठीक है। इधर और कंजक्शन है, निधर से नॉर कंजक्शन है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नन में बट, बोथ में एंड, और अगला है ओ आर ओ आर। तो ये छः की छः वर्ड कंजक्शन का काम करते हैं, कंजक्शन का काम करते हैं। तो यहाँ पे कंजक्शन का जो ये काम करते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है कि इधर के साथ में और आता है, इधर में नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नन बट, बोथ एंड, और कहते हैं कि फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पे है, फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पे है, तो सेकेंड सब्जेक्ट यहाँ पे है। आपको सेकंड सब्जेक्ट बाद में मिलेगा, फर्स्ट सब्जेक्ट पहले मिलेगा। सेकंड सब्जेक्ट पहले बाद में मिलेगा, फर्स्ट सब्जेक्ट पहले मिलेगा। तो सेंटेंस के अंदर जो वर्ब और प्रोनाउन, वर्ब के प्रोनाउन की जो एरर बनेगी वो आपकी सेकंड सब्जेक्ट अकॉर्डिंग बनेगी। यानी यहाँ पे इनके बाद में जो सब्जेक्ट दे रखा है उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस में वर्ब प्रोनाउन आनी चाहिए। तो सेकंड सब्जेक्ट अकॉर्डिंग वर्ब प्रोनाउन आ जाएगी यहाँ पे। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि छः के छः वर्ड कंजक्शन है, यहाँ से टोटल 3 टाइप की एरर बनती है। ये जो 6 वर्ड कंजक्शन है यहाँ पे टोटल हम सब 3 टाइप की एरर बनती है। एक टाइप की एरर तो है सब्जेक्ट फॉर एग्रीमेंट, यानी कि सिंटैक्स के जो अपने आज पढ़ने वाले हैं। दो टाइप की जो एरर बची है वो है कंजक्शन चैप्टर में से। तो कंजक्शन चैप्टर की एरर अपने पढ़ेंगे कंजक्शन चैप्टर, जब कंजक्शन की बारी आएगी तो कंजक्शन के अंदर पढ़ेंगे। बाकी एरर यहाँ पर भी पढ़नी है इस टॉपिक की एरर, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट की अकॉर्डिंग वर्ब का एग्रीमेंट कैसे करवाना है, किस सब्जेक्ट की अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब है उसके बीच में एग्रीमेंट यानी कि सहमति करवानी है। तो सेकंड सब्जेक्ट अपना वर्ब प्रोनाउन फॉलो करेगा यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ध्यान रखना इधर में और का होता है जोड़ा, नोर नहीं आएगा, इधर में नोर आएगा और नहीं आएगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो आएगा, बट नहीं आएगा, नन में बट आएगा, बट ऑल्सो नहीं आएगा, बोथ में एंड आता है, टू या फोर नहीं आ सकता, ध्यान रखना, और अकेला है, ठीक है। छोटी छोटी बात, बड़े छोटी सी बात और है, छोटी सी बात और है कि बोथ के साथ अपने एंड जानते हैं, बोथ के साथ एंड आता है, कंजक्शन में आपको एरर मिलेगी। कंजक्शन चैप्टर के अंदर आपको ये चीज़ मिल जाएगी कि बोथ के साथ में एंड आता है, मैंने जगह उसको दे रखा है जो कि एरर है। तो ध्यान रखना है बोथ में एंड आना चाहिए। दूसरा, बिटवीन के साथ में वी क्या आता है, एंड आता है। तीसरा, फ्रॉम के साथ में टू आता है। फिक्स चीजें हैं कुछ, बिटवीन सब में आता है, फ्रॉम के साथ में टू आता है। जैसे मान लो मेरी क्लास में ऑफलाइन क्लास में कोई लेक्चर लग रहा है 1 घंटे का, जैसे मान लो वो लेक्चर 11 से 12 है, किसी ऑफलाइन क्लास में अगर लेक्चर 11 से 12 है तो उसको मैं दो तरीके से बता सकता हूँ। एक तो मैं सकता हूँ बिटवीन 11 एंड 12, बिटवीन 11 एंड 12 और फ्रॉम 11 टू 12, दोनों बातें सेम है। बिटवीन 11 एंड 12 और फ्रॉम 11 टू 12, दोनों बातें सेम होता है। तो बिटवीन 11 एंड 12 और फ्रॉम 11 टू 12 दोनों में सकते हो। तो ध्यान रखना कि बोथ के साथ में एंड चाहिए, बिटवीन में एंड चाहिए, तो फ्रॉम में टू चाहिए, तो ये चीज़ समझना चाहिए। तो यहाँ पर अगर कंजक्शन की अंदर मिलती रहेगी, इस टाइप की अगर आपका कंजक्शन चैप्टर के अंदर आपको सेंटेंस दे रखे वहाँ पर आप चेक कीजिए। खैर कंजक्शन चैप्टर की बारी आएगी तो डिटेल में समझेंगे इन चीज़ों के बारे में। अभी छोटी चीज तो उन्होंने चेक कर लिया। यहाँ पे ये जो 6 वर्ड है इनके बाद अपने कर चुके हैं, इन पर सेंटेंस चेक करते हैं बच्चों। सेंटेंस देखते हैं, पहला सेंटेंस देखते हैं बच्चों। कहता है इधर यू और शी हैव गिवन अप्रोबेशन टू दिस एंड यू एक्ट फॉर योर ओन प्रॉफिट। पहला सेंटेंस है इधर यू और शी हैव गिवन अप्रोबेशन टू दिस एंड यू एक्ट फॉर योर ओन प्रॉफिट। और सेकंड सेंटेंस है नीदर ही नोर आई इज रेडी टू शो आई कार्ड बिकॉज ऑफ हिज वेरी ग्लोरियस नेचर। तीसरा है नॉट ओनली टीचर बट ऑल्सो स्टूडेंट्स वॉन्ट्स टेनिस कॉर्ट इन देयर स्कूल। बच्चों वोकैबुलरी याद करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कुछ अच्छे तरीके होते हैं, कुछ
शॉर्टकट होते हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं, लेकिन देखो शॉर्टकट ट्रिक्स तो बता नहीं सकता क्योंकि वो कैप के शॉर्टकट और ट्रिक्स मेरे पास में नहीं है, होती नहीं बेटा। लोगों ने एक टोटके बना रखे हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, यूट्यूब पे फेमस होने के लिए, ये जो भी है, खैर मुझे वो फालतू चीज़ से मतलब नहीं है। वो कैप को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका जो बेटा है वो है सेंटेंस के अंदर वो कैप को यूज़ करो। वो कैप को समझो कि वो कैप का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, यानी वो नाउन का काम कर रहा है, एडजेक्टिव काम कर रहा है सेंटेंस के अंदर, वर्ब का काम कर रहा है, किस चीज़ का काम कर रहा है, तो वो करो। दूसरा वर्ड के यूज समझो कि वो कहाँ यूज़ होता है, यानी कि डेली लाइफ के अंदर, रूटीन के अंदर, या किस जगह एप्लीकेबल है वो वर्ड, कहाँ उसको अप्लाई कर सकते हो, कहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। जरूरी नहीं कि थ्योरी पढ़ना, जरूरी है कि उसका इंप्लीमेंट क्या है, उसको अप्लाई कहाँ कर सकते हो, उसके एप्लीकेशंस क्या है। उसके अलावा वोकैब को सेंटेंस के अंदर यूज़ करो, जितना वोकैब को सेंटेंस के अंदर यूज़ करोगे उतनी वोकैब अपने दिमाग के अंदर सेट हो जाएगी, उस वर्ड को भूल नहीं सकते। लेकिन अगर आपने वोकैब को उठा के रट्टा मारा है, उसको शॉर्टकट समझे हैं, ट्रिक समझे हैं, वो कुछ टाइम तो याद रहेगी, फिर उसको ट्रिक भी भूल जाओगे, फिर उसका वो फंडामेंटल जो था वो भी भूल जाओगे। तो वोकैब को याद करने का बेटा बेस्ट तरीका होता है सेंटेंस के अंदर यूज़ करने का। तो मैंने अपना सेंटेंस के अंदर ही वो कैप को यूज़ किया है, इससे आपको डबल बेनिफिट मिलेगा कि ग्रामर की एरर तो चेक कर ही रहे हो, साथ में आपको वो कैप भी मिलेगी, ताकि वो कैप भी याद हो जाए, ग्रामर भी चेक हो जाए। और तीसरा पार्ट अपने एग्जाम में कॉम्प्रिहेंशन यानी कि पैसेज का आता है, तो पैसेज के लिए अपने को चाहिए ट्रांसलेशन हिंदी अनुवाद, तो उसका अपने ट्रांसलेशन यानी कि हिंदी अनुवाद समझेंगे, यानी कि कॉम्प्रिहेंशन समझेंगे इसका, तो चीज़ और क्लियर हो जाएगी। तो सारी चीज़ें एक साथ होगा, स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है, हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है, हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो सेंटेंस के अंदर अपने एरर समझते हैं। एरर देखिए, फर्स्ट सेंटेंस के अंदर इधर के बाद में पहला सब्जेक्ट आ गया यू, दूसरा सब्जेक्ट आ गया शी। पहला सब्जेक्ट है यू और दूसरा सब्जेक्ट है शी, तो अपने को सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलना है जो कि शी है, और शी है सिंगुलर, और सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने को वर्ब नाउन सिंगुलर चाहिए, क्योंकि सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब नाउन सिंगुलर, सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब नाउन प्लूरल आ जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि है तो हैप्पी जगह कर देंगे, उसके बाद में योर, बच्चों योर यू का तो जैसे केस है, बट वो तो फर्स्ट सब्जेक्ट है, अपने को चाहिए शी का, तो शी का होता है हर, सेकंड सब्जेक्ट में चलना है, तो शी की अकॉर्डिंग हमें योर की जगह पर हर आना चाहिए, क्योंकि यू से निकलता है योर, शी से निकलता है हर, अपने को कहना सेकंड अकॉर्डिंग, सेकंड से निकलेगा हर, तो यहाँ पर हर आ जाएगा। तो इधर वो शी हैज गिवन अ परमिशन टू दिस एंड फॉर हर ऑन प्रॉफिट, तो यहाँ पे सेंटेंस के अंदर ये जो एरर थी वो तो अपन चेक कर ली। अब इसके अंदर वो कैप और चेक कर लेते हैं, वो कैप का मतलब क्या है। बच्चों जब फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे, फर्स्ट सेंटेंस के अंदर अप्रोविशन दे रखा है, अप्रोविशन, अप्रोविशन का मतलब होता है एल्यूड, अप्रोविशन का मतलब होता है एल्यूड, ए डबल एल्यूड, एल्यूड, एल्यूड यानी कि अप्रूवल, अप्रूवल यानी कि परमिशन, परमिशन समझते हो ना, स्वीकृति, तो परमिशन है, स्वीकृति है, अप्रूवल है, अप्रोबेशन है, एल्यूड है, ये सारे सिनोनिम है, तो अप्रोबेशन, एल्यूड, अप्रूवल, परमिशन यानी स्वीकृति। अंडू यानी कि नाजायज फालतू बेतुका, अंडू यानी कि नाजायज फालतू बेतुका, नाजायज फालतू बेतुका। एक्ट होता है वर्क, एक्ट होता है वर्क यानी कि काम, ओन ओ डब्ल्यू एन यानी खुद खुद के लिए, और प्रॉफिट होता है लाभ। तो यहाँ पे बेटा अप्रोबेशन का मतलब आपको पता लग गया, अंडी एंड जैसे फॉर तो एक्ट यानी कि वर्क यानी कि काम, और ओन यानी खुद। तो सेंटेंस कह रहा है कि या तो तुमने कॉम्प्रिहेंशन समझते हैं हिंदी अनुवाद समझते हैं, बेटा कॉम्प्रिहेंशन समझने का बेनिफिट बेटा क्या होता है, आप एग्जाम में पैसे सॉल्व कर रहे हो, टी क्यू आर एस सेंटेंस रियल स्पीड सॉल्व कर रहे हो, क्लोज टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, बेटा उनके लिए बड़ी चीज़ बेनिफिशियल है कि बूंद बूंद से गड़ा होता है। अगर आपसे एक लाइन नहीं समझ में आ पा रही तो पैसे कहाँ से करोगे, मैं कह रहा हूँ ना बूंद बूंद से गड़ा होता है, तो बूंद बूंद से गड़ा भरने के लिए एक एक लाइन की हिंदी बनानी पड़ेगी, तब जाके पूरा पैसे सॉल्व हो पाएगा आपसे। तो कह रहे हैं कि या तो तुमने या उसने, अच्छा ये मतलब इसका कॉम्प्रिहेंशन क्या है, कंजक्शन का, कंजक्शन का देखना, इधर उनका हिंदी अनुवाद क्या बोलोगे, इसको हिंदी में क्या बोलोगे, या तो फर्स्ट या सेकंड, नेगेटिव है इधर का नेगेटिव, ना ही फर्स्ट ना ही सेकंड, उसमें तो कह रहा है या तो फर्स्ट या सेकंड, इसमें कह रहा है ना ही फर्स्ट ना ही सेकंड। नॉट ओनली बट उसका मतलब क्या है, फर्स्ट नहीं बल्कि सेकंड भी, बाकी तो चीजें आपको पता ही है। तो बेटा यहाँ पे कह रहा है या तो तुमने या उसने इस फालतू के काम को स्वीकृति दे दी खुद के लाभ के लिए, खुद के प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट यानी कि लाभ,
तो या तो तुमने या उसने इस फालतू के काम को स्वीकृति दे दी खुद के लाभ के लिए, तो वो सेंटेंस का कॉम्प्रिहेंशन हो गया। चलते हैं अपना सेकंड सेंटेंस की तरफ। कहता है नीदर ही नोर आई इज रेडी टू शो आई कट बिकॉज ऑफ हिज वेरी ग्लोरियस नेचर। यहाँ पे ही जो है फर्स्ट सब्जेक्ट है, आई जो है वो सेकंड सब्जेक्ट है। इसमें ही जो है वो फर्स्ट सब्जेक्ट है और आई जो है वो सेकंड सब्जेक्ट है। और अपने सेकंड सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आई, आई के साथ बेटा कभी भी यूज नहीं आता, एम फिक्स है वहाँ पे कि एम आई। तो यहाँ पे भी इसकी जगह पे एक टाइम करेंगे पहले अगर वर्ब की दूसरी प्रोनाउन की मिले तो चेक करते हैं प्रोनाउन बेटा कहाँ पे है। देखो यहाँ पे हिज है, हिज प्रोनाउन बेटा ये रहा हिज। बच्चों वहाँ पे ही से निकला होगा हिज जो कि फर्स्ट सब्जेक्ट है, ही से निकलता है हिज, लेकिन आई से निकलता है माई। ये पोजिशन केस है, एक का हिज होता तो आई का माई होता है, एक का हिज होता है तो आई का माई होता है। तो यहाँ पे हिज की जगह पे आप क्या करते हो गए माई का। तो नीदर ही नोर आई एम रेडी टू शो आई का बिकॉज ऑफ माई वेरी ग्लोरियस नेचर। अब यहाँ पे जो कैप समझने वाली है वो कैप देखना बेटा, वेरी ग्लोरियस का मतलब होता है बेटा वेरी ग्लोरियस का मतलब समावेश, वेरी ग्लोरियस का मतलब होता है स्नोबिश, एस एम ओ डबल बी आई एस एच, स्नोबिश यानी कि एच ए यू जी एस टी वाई ओ टी, एच ए यू जी एस टी वाई ओ टी ओ टी। बेटा गर्म वाला ओ टी नहीं है, इसमें चेक कर लेना, वो होट वाला एच ओ टी होता है, लेकिन यहाँ पे एच ए यू जी एस टी वाई जी एस टी वाई ओ टी ओ टी। एक इसका सिनोनिम होता है कंसेंटेड, एक इसका सिनोनिम होता है कंसेंटेड, सी ओ एन सी ई आई टी ई डी कंसेंटेड। तो स्नोबिश होटी कंसेंटेड यानी कि प्राउडली घमंडी, प्राउडी यानी कि घमंडी होता है ना, तो घमंडी नेचर घमंडी आचरण। तो स्नोबिश होटी कंसेंटेड प्राउडली घमंडी। तो इसका कंप्रिहेंशन चेक करते हैं, हिंदी बनाते हैं ताकि बूंद बूंद से अपना कंप्रिहेंशन का घड़ा भी भर जाए, फॉर एग्जाम्पल पैसे दूसरे लोगों में लग जाए अपने से। तो ना ही वह ना ही मैं आई कार्ड दिखाने के लिए तैयार हूँ, शो दिखाना आई कार्ड दिखाने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मेरा नेचर घमंडी है। तो मेरे घमंडी व्यवहार के कारण, मेरे एटीट्यूड के कारण, मेरे घमंडी नेचर के कारण ना तो वह ना ही मैं आई कार्ड दिखाने को तैयार हूँ। ठीक है, तो ये इसका कंप्रिहेंशन हो गया। चलते हैं अगले सेंटेंस पे, थर्ड पे। नॉट ओनली टीचर बट ऑल्सो स्टूडेंट्स वॉन्ट स्टैंड स्पॉट इन देयर स्कूल। तो नॉट ओनली की बात में पहला सब्जेक्ट है टीचर और दूसरा सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, नॉट ओनली की बात में पहला सब्जेक्ट है टीचर और दूसरा सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे नॉट ओनली टीचर बट ऑल्सो स्टूडेंट्स वॉन्ट स्टैंड स्पॉट इन देयर स्कूल, अपने को चलना है सेकंड सब्जेक्ट की बॉडी, सेकंड सब्जेक्ट कौन है स्टूडेंट्स जो कि प्लूरल है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर अपने बात की थी सिंटैक्स में कि वर्ब के अंदर एस या ई एस जोड़ोगे तो सिंगुलर बनेगा और नाम के अंदर एस या ई एस जोड़ोगे तो प्लूरल बनेगा। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट के अंदर यानी कि नाम के अंदर एस या ई एस जोड़ोगे जो कि प्लूरल है, वर्ब के अंदर एस या ई एस जोड़ते हैं तो क्या बनती है सिंगुलर बनती है। अपने को सेकंड सब्जेक्ट लेना है ये वाला जो कि प्लूरल है, तो वर्ब कैसे चाहिए प्लूरल, और वर्ब के अंदर एस या ई एस हटा दोगे तो वापस प्लूरल हो जाएगी क्योंकि वर्ब के अंदर एस या ई एस जोड़ते हैं तो सिंगुलर बनती है, एस या ई एस हटाएंगे तो प्लूरल हो जाएगी। तो यहाँ से ऐसा ताकि वर्ब सही हो पाए, मेरे को वर्ब प्लूरल चाहिए भाई, वर्ब के अंदर ऐसे डाल दो प्लूरल हो जाएगी। दूसरा देर है, देर अब सेकंड सब्जेक्ट कौन है देर। बेटा यहाँ पे एरर बन सकती थी अगर हिज होता तो, हिज गलत क्योंकि हिज आता टीचर के लिए, टीचर अकेला है सिंगल, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट ज्यादा है तो प्लूरल, तो ही का हिज और स्टूडेंट के लिए दे तो दे से निकला देर, देर पहले से निकल जो किसी है, अगर यहाँ पे हिज होता तो गलत होता तो यहाँ पे ऐसा रहेगा देर। तो बेटा आज का जो अपना कंसेप्ट था वो ये था कि दो सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए छह कंजक्शन है अपने पास में, इधर और इधर लोअर नॉट ओनली बट ऑल्सो नन बट बोथ एंड और। तो इनमें फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, सेकंड सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, तो अपने को जो सेकंड सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब और प्रोनाउन की हमें मिलेगी। तो सेकंड सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब प्रोनाउन सिंगुलर लगा लो, सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्रोनाउन वहाँ पे प्लूरल आ जानी चाहिए। दूसरी बात बेटा ये कि ये छोटे मोटे एरर कंजक्शन की भी हैं, उनको हमने चेक करते रहेंगे बाद में। ये छः के छः बड़े कंजक्शन होते हैं और इन कंजक्शन से जो एरर बनती हैं दो टाइप की और बनती हैं, है ना, कंजक्शन से टोटल तीन टाइप के एरर हैं इन छः कंजक्शन से। तो जो दो टाइप की और है वो कंजक्शन पार्ट की है, तो अपने पढ़ेंगे कंजक्शन के अंदर। अभी जो अपने को पढ़ना था वो सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ना था, तो सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग यानी कि सेंटेंस अकॉर्डिंग हमने जो यहाँ से चाहिए था वो उन्होंने पढ़ लिया।
अब बाकी काम आपका है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, रिविजन करनी है। जैसे बेटा चैप्टर खत्म हो जाएगा, आप 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप चार ऑप्शन के साथ में ABCD आपको मिल जाएगा, आप उसको सॉल्व कर लोगे। उसके बाद आपको मैं सेम डे आंसर की भी दे दूंगा उसकी, ताकि मैच कर लें कि आपके आंसर की कोडिंग आपने सही किया है गलत किया। फिर आपको जो भी डाउट्स आएंगे बेटा वो आपको मैं बता दूंगा कहाँ पूछने हैं। तो वो थोड़ा लेक्चर चलने दो, अब इसके 4-5 लेक्चर और बाकी हैं, 4-5 लेक्चर और हो जाएंगे तो अपना टॉपिक कवर हो पाएगा। तो अपने जो सिंटैक्स का टॉपिक है उसमें टोटल 10-12 लेक्चर होने वाले हैं। अभी अपना 5वां लेक्चर है आज, 5th लेक्चर है। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो पुराना लेक्चर चेक कर लें, अपनी कॉपी पेन में लिखते रहें, कॉपी पेन लेके आप आराम से अपने नोट्स बनाते रहें और साफ सुथरे नोट्स बनाओ, मेरे हिसाब से अच्छे आपको समझ में आने चाहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, आज के लिए मिलते हैं अगली क्लास में लेक्चर नंबर 6 के साथ में, कंसेप्ट नंबर 4 के साथ में। तो लेक्चर नंबर 6 और कंसेप्ट नंबर 4 अगली क्लास में होगा। तब तक आपने जो पढ़ लिया है उसको पढ़ो, पुराने लेक्चर को रिवाइज करो, बार बार देखो उनको, कोई डाउट आए बेटा तो पूछते रहना। तो टेलीग्राम चैनल मेरा जो भी है बता दूंगा, मोबाइल नंबर जो है वो भी बता दूंगा बेटा, ताकि कॉन्टैक्ट कर पाएँ। जिन बच्चों को एडमिशन के रिगार्डिंग बात करनी है, भले वो डिफेंस के लिए स्कॉलर बैच में आना चाहें, गारंटी बैच में आना चाहें, या लॉन्ग टाइम के लिए आना चाहें, जैसा बेटा आपको उचित लगे बेटा, तो अपने नंबर दे दूँगा आपको, फिर अपने बात करना। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, आज के लिए मिलते हैं अगली क्लास में।